जाओ ना यार, ये लोग जाते भी नहीं है। कुत्ते लोग को ना यहीं पे भौंकना है, और यही टाइप पे भौंकना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी संध्या, और आज मैं आपके साथ में 2 स्टार प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और ये आज के स्टार प्रोडक्ट्स क्यों हैं, सो इसलिए है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इनको बहुत लंबे समय से बाय करना चाहती थी। बट मैं इसलिए भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि सिर्फ लेंस के ऊपर इतने सारे पैसे स्पेंड करना अच्छी बात नहीं है। सो मैं ऐसा सोच सोच के टाल रही थी, बट मैंने उसको फाइनली बाय किया। और मैं इसलिए भी बाय नहीं कर रही थी क्योंकि जब भी मैं लेंसेज अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरी आंखों से भर भर के पानी आता है एंड मुझे लगता है कि वो मुझे सूट नहीं कर रहे। बट या अगर आप लेंसेज नहीं पहनते हो तो स्टार्टिंग में 5-6 बार अप्लाई करते रहना आपको ज़रूरी है ताकि आप यूज टू हो जाओ उससे। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने दोनों फेवरेट प्रोडक्ट्स आपको दिखाना चाहती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि ये है ओलेंस के लेंसेस, एंड इसमें मेरा शेड है रशियन वेलवेट, और ये है एक ग्रे शेड। और इसमें जो मेरा लेंस है ना, वो 0 नंबर वाला है। आप अगर नंबर का पहनते हो ना, तो वो भी आप नंबर डाल के ले सकते हो अपना अमेजोन पे। सो इनकी खुद की वेबसाइट भी हो सकती है, मैंने वहां से नहीं लिया है, अमेजोन से लिया है। एंड इसकी MRP जो है वो है 1290 या लाइक 1300 रुपीज़। और ये मंथली डिस्पोजेबल है, सो ये इसकी पैकेजिंग है। और ये इतना छोटू सा आया था यार बॉक्स, तो मुझको लगा इतना सा डब्बा एंड प्राइस इतनी ज़्यादा, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने इसको पहना है, सो मैं अपना लेंस दिखा दूँ। कैसा लग रहा है गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लेंसेज। एंड ये आज नहीं आए थे, ये आ गए थे मे बी फ्राइडे आ गए थे। एंड आज इसका लेंस सोल्यूशन आया, ओ लेंस का लेंस सोल्यूशन नहीं है, बट लेंस सोल्यूशन मैंने लिया है एक्वा लेंस का। अगेन स्टार प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे छाया हुआ है। और मैं भी एक्वा लेंस के लेंसेज ट्राई करना चाह रही थी, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेंस सोल्यूशन मंगा लेती हूँ एंड फिर कभी उसका लेंस मंगाएंगे। एंड ये है एक्वा सील डबल मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट और लेंस केयर इनसाइड। ओके, तो इसके साथ आपको कहाँ गया यार वो, ओके वो यहाँ था, सो सॉरी। सो इसके साथ एक फ्री लेंस किट मिलता है, सॉरी किट नहीं, केस मिलता है। और ये है इसका बॉक्स, 500 ml का बॉक्स, इसमें छोटू वाला भी आता है इतनू सा। सो मैंने सोचा एक बार में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा ब्रांड है, सो इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे और वाकई में अच्छा है, नॉन इरिटेटिंग टू आईज ऐसा मैं कहूँगी। एंड इसके कॉन्टेंट्स जो भी है ना, वो यहाँ दी हुई है। और इसकी MRP है 500 का कुछ है, और मुझे 490 ऐसे कुछ मिला अमेजोन पे। एंड या इसके बारे में ये था। और ये अच्छा, मैं अंदर से दिखाना भूल गई, अंदर से ये इतनी बड़ी सी बॉटल है और ये यहाँ से इस टाइप से आता है। और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा लीक हुआ था क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना, मुझे कुछ यहाँ तक है बस। बट ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी और मैं इसको रख लेती हूँ। एंड नाउ जो मैंने लेंसेस लगाए हैं ना, वो मैंने कैसे अप्लाई किया है उसका पूरा ट्यूटोरियल जो है ना, मैंने रिकॉर्ड किया और मेरा तक सब कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने। सो प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लीजिए आप लोग, एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे इस चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर देना आखिरी में अगर अच्छा लगता है तो। एंड चलिए वीडियो देखते हैं। सो एक्साइटेड, और आज हम लोग लेंस वेयर करने वाले हैं। और ये देख सकते हो, ये मेरे लेंसेस, और ये है इसका आउटर कवर। और ऑफ कोर्स हम लोग नहीं भूल सकते हैं लेंस सॉल्यूशन, ये वाला में ये बड़ा सा बॉटल है लेंस सॉल्यूशन का। और अच्छा हुआ कि इसके साथ हमें फ्री लेंस केस मिल गया क्योंकि मैंने बाई नहीं किया था, और मैंने एक्चुअल में ऑर्डर किया था बट मैंने उसको फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही थी। मैंने सोचा मैं अगेन ऑर्डर करूँगी दूसरा कोई। सो लेंस केस जो मैंने मंगाया था ट्रैवल के लिए, वो मैंने कैंसिल कर दिया। सो थैंक गॉड कि मेरे पास एक लेंस केस है। और मैं ना ये लेंस का सोल्यूशन बाय किया है फर्स्ट टाइम, एंड फर्स्ट टाइम मैंने ओ लेंस के भी लेंसेस बाय किए हैं। और मंथली डिस्पोजेबल है ये, यानी कि आप इसको आई थिंक 30 डेज यूज़ कर सकते हो गे। इसमें 1 डे वाला भी आता है और वो 1300 का है। मुझे लॉजिक नहीं समझ आया क्योंकि ये 1290 का है, स्टिल आप इसको मंथ में डिस्पोज करते हो, यानी कि आप 30 डेज यूज़ कर सकते हो। एंड जो 1300 रुपीज़ का था वो ओनली 1 डे का था, मेरे को लॉजिक नहीं समझ आया। सो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं। सो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, तो आई डोंट नो कि कैसे कैसे क्या करना है मुझे सब। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें लेंस को डाल के और इसके अंदर अपने जो न्यू वाले लेंस है उसको थोड़ी देर रखूँ, नॉट थोड़ी देर नहीं, बस इसमें डिप करके वापस निकाल के मैं लगाऊँ, क्योंकि
ये इसके अंदर पैक हुए हैं, सो ये स्टेराइल है बट स्टिल आई डोंट बिलीव, क्योंकि मुझे लगता है पुराना होगा सोल्यूशन. सो हम इसके अंदर डिप करके इसको अप्लाई करेंगे. माय गॉड, माय गॉड, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है यार, निकल भी रहा है मेरे से. यार नॉट इजी, ऐसे कैसे हो सकता. Many months later. दांत से निकाल लिया. नमक नमक सा है. तो ये ओपन हो चुका है और हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी आंखों पे. ओह माय गॉड, वाओ, ये लेंस कितना प्यारा लग रहा है. सो मैं सोच रही हूँ यही वाला जो सोल्यूशन है ना, इसको मैं इसके अंदर डाल देती, बट अब मैं ये सोल्यूशन कहाँ डालू यार, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है. सो हाँ, अब हमें लेंस अप्लाई करना है. मैं मिरर निकाल लेती हूँ और मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि यार यू नो इसके पहले मैंने वो बॉस्क एंड लैम्ब ऐसा कोई ब्रांड है या लोम, आई डोंट नो. सो वो मैंने अप्लाई किया था और मेरी आईज इतनी जलने लग गई थी कि मैंने तो सोच लिया था कभी भी लेंस अप्लाई नहीं करूँगी मैं. बट अगेन मैं ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं फिर से लेंस अप्लाई कर रही हूँ. ओके, सो मैंने अपने लेंस को पकड़ लिया है. यार मैं बहुत कन्फ्यूज हो रही हूँ कैसे करूँ अप्लाई, और इसमें राइट और लेफ्ट भी नहीं लिखा था. सो आई एम अगेन कन्फ्यूज कि कौन सा कहाँ जाएगा. सो मैं ये वाला आईज में अप्लाई करने वाली हूँ. अभी माय गॉड, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया गाइस, क्या करूं मैं. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे को डर लग रहा है, नहीं चल नहीं रहा वैसे. क्या हो रहा है यार ये, आई एम स्ट्रगलिंग. और मेरी एक पलके भी झड़ गई है. कैन यू सी, कैन यू सी, यार दिखेगा भी नहीं, मेरी एक पल के यहाँ चिपकी हुई है. दिस टाइम ये हो जाए बस. यार ये मैं क्या कर रही हूँ, लेंस अप्लाई करते वक्त ना मेरे से हमेशा ही ऐसा होता है. क्यों कर रही हूँ यार मैं ये ऐसा, हाँ वाओ, इस जन्म में मैं कर पाऊंगी क्या, ये खराब ना कर दूँ. गाइज अब मैं इसको ऑफ कैमरा ही लगाने वाली हूँ, बिकॉज बहुत टाइम लग रहा है. हाय गाइज, सो मैंने लेंस लगा लिया है और मुझे अच्छा लग रहा है वैसे काफ़ी. अब मेरे ये आईज और ये आईज में फ़र्क देख सकते हो. लाइक अभी तो मैं बहुत घोस्ट काइंड ऑफ फील कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूत लग रही हूँ, लेकिन आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैंने लेंस लगाया है. और ये उतना भी नहीं चला जितना कि प्रीवियस वाला जो लेंस था ना ट्रायल किट, वो जला था. लाइक उसने मेरी आंखें जला दी थी और मुझे ऐसा लग रहा था लिटरली कि मैं अपनी आँख खो दूंगी. और अभी भी मेरे आंखों से देख सकते हैं, आंसू टपक टपक रहे. सो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या. मेरे को लगता है कि अगर मैं 10-15 बार लेंसेस अप्लाई करूंगी ना, तो उसके बाद मुझे हैबिट हो जाएगी, मैं कभी लेंस अप्लाई नहीं करती हूँ. दैट्स व्हाई, ओह माय गॉड, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अप्लाई भी कर लिया है. सो हमारा लेंस अप्लाई हो चुका है, दूसरा भी लगा लेती हूँ मैं. सो गाइस वी आर फाइनली डन, और हमने अपने लेंस अप्लाई कर लिए. देख सकते हो ग्रे आईज हो गई है मेरी, क्या आप इस लड़की को पसंद करते हो. सो इतना मैं कभी भी नहीं रोई जितना मैं आज रोई हूँ ऐसा लग रहा है मुझको. लाइक अपनी विदाई पे भी इतना रोई नहीं थी मैं, लेंस तो मैंने तब लगाया ही नहीं था वैसे, और अच्छा हुआ नहीं लगाया था, अदरवाइज मेरा मेकअप पूरा खराब हो गया होता, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लेंस लगाना लाइक कंपल्सरी होता है ताकि आपकी आईज अच्छी दिखे. वैसे इतना कंपल्सरी नहीं होता ये, यू नो, अब लगाने के बाद ये इतने कम्फर्टेबल है ना, लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरी आंखों पर कुछ है, लेकिन लगाना काफ़ी डिफिकल्ट रहा मेरे लिए. ओके, सो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस विथ ओ लेंस, एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस. इतना नहीं चला, लाइक मुझे लगा था वाला लेंस काफ़ी अच्छा है गाइज. सो गाइज कैसा लगा आपका वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक छोड़ के जाना, एंड प्लीज़ शेयर करना अगर आपको लगता है कि काफ़ी यूजफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको ओ लेंस के प्रोडक्ट बाय करने हैं या फिर एक्वा लेंस का सोल्यूशन बाय करना है. सॉरी यार ये डॉगीज पता नहीं क्यों, इनको है ना वीडियो के टाइम पर भोंकना रहता. क्या करूँ क्या करूँ,
बिल्कुल मैं चाहती नहीं हूँ कभी भी, क्या कहते हैं यार उसको, ओ ब्लूपर्स, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ब्लूपर्स रिकॉर्ड करूँ, बट ये डॉगीज लोग भूखते रहते हैं तो फिर अपने आप ही ब्लूपर बन जाता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा. यू नो आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज एक्टिवली जो कि आपको हेल्प करे. ऐसे वीडियो बनाने का मैं सोच रही हूँ ज़्यादातर, क्योंकि यू नो मैं क्या कर रही थी, वीडियोज ऐसे बना रही थी जो मुझे लग रहा था लाइक मैं खुद के लिए बना रही हूँ, बट नाउ आई एम फीलिंग कि हाँ मैं हेल्पफुल वीडियोज बना रही हूँ जो दूसरों को हेल्प करे, लाइक रिव्यू वीडियोज और लाइक मेरे एक्सपीरियंस्ड वाली वीडियोज जो कि मेकअप रिलेटेड है. आजकल मेकअप रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू बुक रिव्यूज, बट यू नो मैंने अभी तक एक फिनिश नहीं की. आई एम रिग्रेटिंग ऑन दैट. सो लेट्स सी कि अब क्या होने वाला है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय.